हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में जियोट्रोपिज्म पे स्टॉप किया था लास्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे थिग्मोट्रोपिक मोमेंट पे। यानी हमने जियोट्रोपिक मोमेंट में पढ़ा था कि रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं जियोट्रोपिज्म के लिए, और शूट जो है वो नेगेटिव हैं जियोट्रोपिक मोमेंट, दे शो नेगेटिव जियोट्रोपिक मोमेंट। अब ये थिग्मोट्रोपिक मोमेंट क्या है? The directional movement of plants in response to touch is known as thigmotropic movement. यानी कि जब plants touch के response में directional movement show करते हैं, क्योंकि हम किन की बात कर रहे थे? Tropic movements की। और tropic movements क्या होते हैं? ये directional movements होते हैं, यानी कि they either move towards stimuli or they move away from stimuli. तो अगर thigmotropic की बात करें तो जहाँ टच हो रहा है कोई भी चीज़, तो उसके रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो, डायरेक्शन उस डायरेक्शन में ग्रोथ हो, तो वो कहलाएगी थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हेन अ टेंड्रिल टच दिस सपोर्ट इट विल मूव टूवर्ड्स टच एंड कॉइल अराउंड इट। आपने देखा है जो टेंड्रिल होती है, टेंड्रिल क्या है? टेंड्रिल्स किन्हें कहते हैं? जो एकदम बहुत फाइन डेलिकेट होते हैं, और आपने देखा होगा इन कई बहुत सारे क्लाइंबर्स में इनमें एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहता जैसे वो इनिशियली क्या होता है, वो टेंड्रिल एक एज अ स्ट्रेट ग्रो करता रहता है जब तक वो सपोर्ट तक नहीं पहुंचता है। एंड जैसे ही वो किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है, तो जैसे उसको टच करता है, तो देन इट विल कॉइल अराउंड दैट। तो ये है एग्जांपल फॉर थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। देन नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमोट्रोपिक मूवमेंट क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स इज नोन एज कीमोट्रोपिक मोमेंट। ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे प्लांट की जो ग्रोथ होती है पर्टिकुलर केमिकल के रिस्पॉन्स में होती है। अब ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जब हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके से जो है पोलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट करती हैं, और कैसे जो है फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में। तो अभी के लिए आप इस एग्जांपल को देख लीजिए कि ग्रोथ क्या है, एग्जांपल क्या है कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल्स। जैसे पोलन ग्रेन एक बार स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, जब वो जर्मिनेट करेगा तो वो पोलन जो है उसको अपने मेल गैमेट्स रिलीज करने होंगे ओव्यूल के पास। तो उसके लिए क्या है, पहले उस पोलन ग्रेन से बनते हैं पोलन ट्यूब्स, और पोलन ट्यूब्स जो हैं वो स्टाइल से होते हुए, देखो आपने इतना तो आपको पता है, आपने सेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि जो गाइनोशियम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। एंड स्टिग्मा का काम होता है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ जाएंगे, वो जर्मिनेट करेंगे, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, एंड वो पोलन ट्यूब जो है इट विल कैरी द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द पोलन्स टूवर्ड्स द ओव्यूल। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर कीमोट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। नाउ कमिंग टू प्लांट हॉर्मोन्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि मूवमेंट्स जो है कैसे कंट्रोल होती हैं, वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग कैसे प्लांट जो है रिएक्ट करते हैं, तो वो हमने पढ़ा था इसमें अभी। और दो तरह के मूवमेंट्स हमने पढ़े, नेस्टिक और ट्रोपिक मूवमेंट। अब है कि प्लांट हॉर्मोन्स, अब ये तो था कि मूवमेंट, प्लांट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो तो एग्जांपल है कि मूवमेंट्स की, प्लांट में मूवमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। अब हमने पढ़ना है कि प्लांट्स जो हैं वो इन मूवमेंट्स को कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, कैसे जो एक ग्रोथ हो रही है स्टिमुलस के टूवर्ड्स, अगर ग्रोथ हो रही है स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हॉर्मोन्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं, और इन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, शॉर्ट फॉर्म में PGR, ये भी कहेंगे। और ये होते क्या हैं प्लांट हॉर्मोन्स? ये भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स एट डिफरेंट पार्ट्स, एंड देन दे डिफ्यूज टू द अदर पार्ट्स, कहीं किसी और जगह पे ये सिंथेसाइज होते हैं और फिर ये डिफ्यूज करते हैं। एग्जाम्पल जो प्लांट हॉर्मोन्स के हमने पढ़ने हैं वो क्या है? ऑक्सिन,
जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ये जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं, इनमें कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और कुछ हॉर्मोन ऐसे हैं जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो दो कैटेगरी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, उनमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इस कैटेगरी में आते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की में, और एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में आती है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में एक एक हॉर्मोन के बारे में। तो पहला क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इसे इंडोल एसिटिक एसिड, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, इसे IAA के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये जो हॉर्मोन है, देखो बच्चे ये ना बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए जो प्लांट हॉर्मोन का, तो आप इसको थोड़ा सा और टू द पॉइंट आप चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं दे रखा, जरा सा आपको बता रखा है, तो थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करना इसको। देखो ये जो हॉर्मोन है ऑक्सिन, ये बनता कहाँ पे है प्लांट में, सिंथेसाइज होता है शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इसका काम होता है, इस हॉर्मोन का काम होता है कि सेल्स की इलोंगेशन कराना, सेल्स को ग्रो कराना। तो इससे क्या होगा कि जैसे सेल्स इलोंगेट होंगे, ग्रो इनकी ग्रोथ होगी, तो मेनली क्या है कि किसमें इन्वॉल्व है, प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये ट्रोपिक रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। दिस ऑक्सिन ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रोपिक रिस्पॉन्सेस। अब ट्रोपिक रिस्पॉन्स कौन सा, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म जो है उस में ये जो ऑक्सिन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखो क्या है कि हमने कहा कि ये जो हॉर्मोन है इट इज सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप, कोई भी प्लांट का जो टिप है, शूट टिप है, क्योंकि वो ग्रोइंग है वहां पे ये बनता है। फिर सपोज दिस इज व्हाट आई ड्रॉन सन टू शो सनलाइट, सो व्हेन द प्लांट इज गेटिंग द सनलाइट यूनिफॉर्मली, द प्लांट को यूनिफॉर्मली सनलाइट उसको मिल रहा है, सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन, देन दिस ऑक्सिन इट विल बी डिफ्यूज्ड यूनिफॉर्मली टू द ऑल दिस वन, टू द होल प्लांट यूनिफॉर्मली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट सपोज व्हेन देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल लाइट, व्हेन द प्लांट इज गिवन यूनिडायरेक्शनल लाइट, यूनिडायरेक्शनल मीन्स फ्रॉम वन साइड, प्लांट को जब एक साइड से लाइट मिलेगी तो व्हाट विल हैपन इज दिस ऑक्सिन इज लाइट सेंसिटिव, दिस ऑक्सिन इज लाइट सेंसिटिव, सो व्हाट इट विल ट्राई, दिस ऑक्सिन इट विल मूव टूवर्ड्स द शेडी पार्ट, दैट इज दिस ऑक्सिन विल गेट कंसंट्रेटेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द शेडी पार्ट, द शेडी पोर्शन, ओनली वन साइड इट विल गेट कंसंट्रेटेड, वो एक तरफ मूव हो जाएगा और सिर्फ वहां पे कंसंट्रेट हो जाएगा। अब आप देखिए एक ही तरफ ऑक्सिन ज्यादा है और दूसरी तरफ ऑक्सिन नहीं है, तो क्या हुआ, ऑक्सिन क्या करा रहा था, सेल इलोंगेशन करा रहा था। अब वो सेल इलोंगेशन अगर करा रहा था तो जिस तरफ वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है वहां के सेल्स विल ग्रो लॉन्गर, वहां के सेल्स जो है वो ज्यादा बड़े होंगे, ज्यादा इनलार्ज हो जाएंगे, ज्यादा ग्रो करेंगे एज कंपेयर टू द सेल्स प्रेजेंट ऑन द अदर साइड वेयर देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। सो इन दिस व्हाट इट विल कॉज, इट विल कॉज द बेंडिंग ऑफ द शूट टिप टूवर्ड्स लाइट, बिकॉज दिस साइड नॉट ग्रो एंड द अदर साइड वेयर द ऑक्सिन वॉज कंसेंट्रेटेड इट ग्रो लॉन्गर एंड इट कॉज द प्लांट to bend towards light, and this is how ऑक्सिन plays an important role in phototropism. अच्छा अभी हमने जो पढ़ा उसी को आप theoretical इसको note down कर लो अपने notebooks में। देखो इसको मैं read out कर देती हूँ। When light is coming from one side of the plant, ऑक्सिन diffuses towards the shady side of the shoot, and this concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot
विच इज अवे फ्रॉम लाइट एंड थस द प्लांट अपियर्स टू बेंड टूवर्ड्स लाइट एंड दिस इज वॉट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड. नेक्स्ट इज जिब्रेलिन्स. नेक्स्ट जो प्लांट हार्मोन है या फाइटो हार्मोन जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, जिब्रेलिन. जिब्रेलिन्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड एज जी ए, जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिन्स आर रिप्रेजेंटेड एज जी ए, दैट इज जिब्रेलिक एसिड. एंड दिस अगेन लाइक ऑक्सीजन, दीज आर ऑल्सो सिंथेसाइज इन द ग्रोइंग टिप्स एंड दे स्टिमुलेट द डिविजन ऑफ द सेल एंड देयर इलोंगेशन. नाउ फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स. अपने इसमें एनसीईआरटी में जिब्रेलिन्स का बहुत ज़्यादा फंक्शन उसमें नहीं दिया हुआ है. सिंपल इट इज़ गिवन दैट इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर और इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन लाइक ऑक्सीजन्स एंड दिस थिंग्स आई हैव रिटन. ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है बिकॉज किसी भी हॉर्मोन का अगर टू द पॉइंट अगर हम एक या दो फंक्शन भी अगर याद कर लेते इसमें कोई बुराई नहीं है. तो अब इसकी बात करते हैं कि जिब्रेलिन का एक फंक्शन क्या होगा. इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो एक है इसका इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जिब्रेलिन्स का. जैसे ऑक्सीजन्स की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन्स का बात करने से तो हमें माइंड में क्या आता है कि ट्रोपिक रिस्पॉन्स में हेल्प करती है तो उसमें आती है फोटोट्रोपिज्म. जैसे ही जिब्रेलिन्स की बात करते हैं तो जिब्रेलिन्स बोलते ही हमें माइंड में आना चाहिए बोल्टिंग इन रोसेट प्लांट्स. अब ये क्या होती है बोल्टिंग, देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें नोड्स और इंटरनोड्स, जो इंटरनोड्स होते हैं वो बहुत कंप्रेस्ड होते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. आपने स्पिनेच देखी है, सबने पालक देखी है, अभी सर्दियों में कईयों ने अपने तो गार्डन किचन गार्डन में भी लगाया होगा उसको. तो आप क्या देखते हो कि जो स्पिनेच है उसकी जो लीव्स हैं वो नज़दीक नज़दीक ग्रो करती हैं. जब भी वो आती हैं तो लीव्स एकदम से, क्योंकि और लीव्स कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ से अराइज होती हैं, स्टेम पे. नोड्स नाम की चीज़ सुनी है आपने, स्टेम पे वो कुछ होते हैं नोड्स. Nodes are the points on the stem from where leaf arises. और इसका क्लियर कट एग्जाम्पल आपको शुगर केन में दिखता है ना, जहाँ पे शुगर केन है आप वीट में दिखेगा, जहाँ पे लीव्स अराइज होते हैं इन पार्ट्स पे, तो आपको हार्ड सा जो पार्ट नजर आता है वो नोड्स होते हैं. ऐसे ही ये तो मोनोकोटिलेडोन की एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अगर हम नीम की बात करें, सीसम, जामुन, इन प्लांट्स की बात करें तो इनमें इस तरह के हमें क्लियर डिमार्केशन नहीं मिलती. हम सिर्फ उस समय पे क्या कहते हैं कि नोड्स आर द पॉइंट फ्रॉम वेयर लीव्स अराइज, जहाँ से लीव्स अराइज होते हैं. तो अब क्या होगा कि जैसे स्पिनेच यानी जहाँ से अराइज होते हैं तो यहाँ पे भी कहीं नोड्स होंगे, बट व्हाट यू सी इज दैट लीव्स आर अराइजिंग इन ए बंच, वो एक बंच में अराइज हो रहे हैं. तो दैट मीन्स कि इसके नोड्स जो है वो बहुत नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट है ना. जब फिर लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी जो विंटर सीजन निकल जाता है उसके बाद अभी ये जो सीजन है मार्च का जो सीजन था आपका, आपने उसमें देखा होगा ऑल ऑफ ए सडन स्टेम अराइजेस, उसमें से स्टेम निकल करके आते हैं, उसमें फ्लावरिंग होती है. तो यानी कि इस स्टेम का जो इलोंगेशन यानी कि नोड्स की जो नोड्स और इंटर नोड्स की जो सॉरी इंटर नोड्स, व्हाट इज इंटर नोड, द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स इज व्हाट कॉल्ड एज इंटर नोड. तो इंटर नोड का जो इलोंगेशन हुआ है उसकी वजह से एक स्टेम बहुत लंबा सा स्टेम हो जाएगा और उसके ऊपर फ्लावरिंग होगी. तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं जिनमें बंच में लीव्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत कंप्रेस्ड नोड्स इनके इंटर नोड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रोसेट प्लांट्स, उन्हें हम कहते हैं रोसेट प्लांट्स. और जब एक पर्टिकुलर सीजन में जब इनका फ्लावरिंग सीजन आता है तो ऑल ऑफ ए सडन द स्टेम इलोंगेट्स, उनका जो स्टेम है इलोंगेट हो जाएगा. तो उस फेज को हम कहते हैं बोल्टिंग. तो ये काम होता है जिब्रेलिन्स का या जिब्रेलिक एसिड का. अब देखो इस इन ये वैसे मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, ये अपने एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है. ये जो जिब्रेलिन्स हैं, अब देखो इनका कमर्शियल यूज़ क्या होगा, इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है लैब्स में. अब जब सपोज कि आपके पास शुगर की इनकी ये जो है फील्ड है, खेती की हुई है, तो क्या करेंगे अब कमर्शियली जो जिब्रेलिक एसिड सिंथेसाइज किया या जिब्रेलिन सिंथेसाइज किया है उसको क्या कर सकते हैं, हम स्प्रे कर सकते हैं शुगर केन का, शुगर केन की फील्ड पे. क्यों? क्योंकि उस शुगर केन प्लांट में हमारे लिए वैल्यूबल क्या है, उसका स्टेम. क्यों? क्योंकि उसके स्टेम में ही हमें जो शुगर केन का जो जूस है मिलेगा, जिससे ऑल ऑफ दैट शुगर और जो भी उसके प्रोडक्ट्स है वो बनेंगे.
तो अब जब हम अगर शुगर केन के ऊपर उसका स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, इंटरनोड्स की लेंथ इंक्रीज होगी, इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यील्ड बढ़ेगी हमारी। तो ऐसे इनका जो है कमर्शियल यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या याद करेंगे, एक तो स्टेम इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा बोल्टिंग इन रोसेट प्लांट्स, और तीसरा क्या है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इट इज प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, यानी कि ऐसे फ्रूट्स बनाना जो सीडलेस होते हैं, उन पे स्प्रे देना, ये सब कमर्शियल यूज होता है। इनको बाद में किया जाता है, नेचुरली नहीं, जैसे जिब्रेलिन का अगर स्प्रे किया जाए तो हम सीडलेस फ्रूट्स भी बना सकते हैं। एंड दिस पार्थिनोकार्पी इट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन स्प्रे ऑल्सो। ऑक्सिन के स्प्रे से भी हम पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं प्लांट्स में, दैट इज वी कैन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स। पर उतना सब हमें नहीं याद करना जितना हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है, और बस उतना ही, लिमिटेड एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा बस। नेक्स्ट कमिंग टू साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन इसको कहते हैं काइनेटिन, इसको काइनेटिन भी कहते हैं। और इसका काम, जैसे साइटो, वर्ड साइटो आते ही आपको आता है कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू सेल, सो दिस साइटोकाइनिन इट प्रमोट्स सेल डिविजन। वो क्या कराती है प्लांट्स में, सेल डिविजन कराती हैं। एंड दिस हॉर्मोन इज फाउंड इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिविजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिविजन हो रहा है वहाँ पे साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन में पाई जाएगी। और वो एरियाज कैसी होती हैं, या तो जब आपकी सीडलिंग जर्मिनेट कर रही है तब, या जैसे फ्रूट्स डेवलप होते हैं, सीड्स डेवलप होते हैं, तब आप ये पाई जाएगी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन ऑल्सो हेल्प्स इन मॉर्फोजेनेसिस। साइटोकाइनिन जो है वो किस में हेल्प करती है, मॉर्फोजेनेसिस में भी। अब मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला पॉइंट जो है हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हमने ऐड किया है, और ये ब्रेकिंग डोरमेंसी वाला भी। ठीक है, अब मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, देखो मॉर्फोजेनेसिस मीन्स द टर्म विच इज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो ऐसे मॉर्फो वर्ड आ रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड, यू कैन कनेक्टेड विद मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल अपियरेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब क्या होता है कि एक होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यानी प्लांट्स की टिश्यू लेते हैं हम लैबोरेटरीज में, कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हैं, शूट ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, और फिर उस छोटे से पार्ट से हम पूरे प्लांट को ग्रो कराते हैं, उन वहाँ से कुछ सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन सेल से हम पूरे प्लांट को ग्रो कराएंगे। अब वो सेल, उसको डिफरेंशिएट करना होगा उन सेल्स को एज शूट, एज रूट, एज लीव्स, यानी डिफरेंट पार्ट्स में उनको डिफरेंशिएट करना होगा। तो उस समय पे क्या करते हैं हम, साइटोकाइनिन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं हम उस स्टेज में, जब हमारे प्लांट डिफरेंशिएशन की स्टेज होती है, तो हम साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जिससे कि उस प्लांट में क्या होती है, मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि जो बहुत सारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, शूट्स हैं, लीव्स हैं, वो डिफरेंशिएट होना शुरू कर देती है वहाँ पे। इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ब्रेकिंग डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है, अगेन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड से टर्म है। डोरमेंसी होती है कि कोई भी सीड जब when any seed fails to germinate even under the favorable conditions, जब कोई भी सीड germinate नहीं कर रही है, जब उसको even favorable conditions मिले हुए हैं, moisture है, उसको sunlight है, सभी उसको मिला हुआ है, उसके बावजूद वो germinate नहीं कर रही है, तो उस seed को हम कहते हैं dormant। और क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कुछ hormones की concentration वो ज़्यादा है। जैसे कौन सी हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन होती है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उस समय पे जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो डोरमेंसी को ब्रेक करने में, यानी उस सीड को जर्मिनेट कराने में, डोरमेंसी से ओवरकम करने के लिए हेल्प करती है साइटोकाइनिन। अब हमारा नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है, हमने अभी स्टार्टिंग में इसको बताया था कि एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। सो इसमें क्या है, इट इनहिबिट्स ग्रोथ, इट कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं एज इट इज, कि
एब्सिसिक एसिड क्या करती है, विल्टिंग, लीव्स की विल्टिंग कराती है। विल्टिंग यानी कहीं लीव्स का मुरझाना, वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, एब्सिसिक एसिड के इन्फ्लुएंस में होता है। एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हॉर्मोन। स्ट्रेस हॉर्मोन मतलब कि ये स्ट्रेस कंडीशंस में प्लांट को हेल्प करती है। अब प्लांट के लिए स्ट्रेस क्या है, अब वो पढ़ने तो जाते नहीं है जो उनके लिए स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस क्या है उनके लिए, जैसे कि वाटर कम, ट्रांसपीरेशन रेट एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट से ज़्यादा हो, यानी कि अब ये जो सीज़न चल रहा है हमारा, जब ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप कोई भी प्लांट है उसको ऑब्जर्व करना कि आप दोपहर में क्या देखते हो कि जो लीव्स हैं वो मुरझा जाते हैं, इन्हें टी ड्रूप ऐसे बहुत ढीले हो जाते हैं, और बाद में जैसे इवनिंग में आप उनको जब वाटर करते हो तो वो प्लांट के जो लीव्स हैं दोबारा से स्ट्रेच हो जाते हैं, अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है, जब ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा होती है, वाटर अब्जॉर्प्शन कम हो रही है, तो ये प्लांट के लिए एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन, कि वाटर के स्ट्रेस में है। तो इस तरह का जब कंडीशन होती है तो उस समय पे जो एब्सिसिक एसिड है इट कम्स इन टू रूल। वॉट इज इट डज इज इट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वन थिंग, कि सबसे पहला ये क्या करता है कि स्टोमेटा का क्लोजर कराता है, जिससे कि स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो क्या होगा कि ट्रांसपीरेशन कम होगी। अब तक तो हमने यही पढ़ा था ना कि स्टोमेटा जो है दे आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दे आर क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम, बट जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो क्या हो सकता है, एब्सिसिक एसिड जो है इट कैन ऑल्सो कॉज स्टोमेटा टू क्लोज, जिससे क्या होगा ट्रांसपीरेशन कम होगी। तो इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये अनदर पॉइंट है अदर देन एनसीईआरटी, वन मोर पॉइंट आई फाउंड इट इम्पॉर्टेंट, दैट इज इट प्रमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है, देखो आपने कोई भी जो राइप्ड फ्रूट्स हैं, सभी ने एक बार तो अपने लाइफ में कभी कोई फ्रूट्स तो तोड़े होंगे, किसी प्लांट से, डायरेक्ट प्लांट से कोई फ्रूट्स तोड़े होंगे, तो आपने ये चीज़ को कभी नोट किया है कि चाहे ओल्ड लीव्स हों जो येलो लीव्स हो जाते हैं, या फिर राइप्ड फ्रूट हो, उनको ज़रा हाथ लगाओ तो वो टूट जाते हैं, जबकि जो ग्रीन लीव्स होते हैं या यंग अनराइप्ड फ्रूट्स होते हैं तो वो आसानी से टूटते नहीं है, उनको खींचना पड़ता है, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, और जबकि जो राइप्ड फ्रूट्स होते हैं, कोई भी राइप फ्रूट होंगे, येलो लीव्स को ही देख लो, आपने फ्रूट नहीं तोड़े तो भी कोई प्लांट आसपास है और उसके कोई लीफ येलो हो चुका है तो उसको आप जस्ट टच करोगे तो वो टूट के गिर जाएगा। वो क्यों गिरता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या मैकेनिज्म होती है कि वो एक अपने जो पार्ट्स हैं, ओल्डर पार्ट्स हैं, उनको शेड करने की, उसके लिए वो क्या करते हैं, पहले एक एब्सिशन लेयर बनाते हैं, यानी कि सपोज आपका ये प्लांट का स्टेम है और लीफ आपके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये लीफ का एज हो चुका है, ओल्ड हो चुकी है, तो व्हाट विल हैपन इज एब्सिशन लेयर इज डेवलप्ड बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम, या लीफ बेस जहाँ पे अटैच्ड लीव्स, एक लेयर बनती है जिसमें क्या होगा कि ये जो एब्सिसिक एसिड जो है उस समय पे क्या करती है, जो सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला है या सेल वॉल्स है इधर जो है उनको डिसॉल्व करना शुरू कर देती है और एक सीलिंग बन, एक सील बना देती है, क्योंकि अब ये पार्ट अलग होगा तो यहाँ पे एरिया कुछ एक्सपोज भी हो जाएगा ना, तो ये एक सील भी क्रिएट कर देती है और यहाँ की जो सेल वॉल्स हैं, मिडिल लैमेला है जो दो सेल वॉल को कनेक्ट करते हैं, उनको डिसॉल्व कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो हल्का सा टच, बिल्कुल अपने आप हवा आएगी तो या कोई टच करेगा तो वो अपने आप गिर जाएंगी, तो दिस इज कॉल्ड एज एब्सिशन। तो दिस एब्सिसिक एसिड इट प्रमोट्स एब्सिशन। नेक्स्ट इथिलीन, एक ये हार्मोन है, इम्पोर्टेंट हार्मोन है, बट इट इज नॉट मेंशनड इन एनसीईआरटी, बट स्टिल आई वांट टू लेट यू नो कि इथिलीन क्या होती है, कि ऐसी हार्मोन है जो गैशियस फॉर्म में होती है, ये गैशियस फॉर्म में होती है, और ये जो हार्मोन है इथिलीन, इसको दोनों कैटेगरी में रखा हुआ है, एक इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर एज वेल एज ग्रोथ प्रमोटर, यानी ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर दोनों कैटेगरी में इसको रखा हुआ है, एंड इट इज़ द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू टेल यू कि जो फ्रूट्स राइपन होते हैं, जो पक जाते हैं फ्रूट्स,
तो उनके राइपनिंग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इथिलीन, इथिलीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। एंड इट इज कमर्शियल, आप सोचो इसका क्या यूज होगा, कमर्शियली इसको यूज किया जाता है ना, इथिलीन को किया जाना चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि बहुत से फ्रूट्स ऐसे जैसे मैंगो है, अगर राइप्ड कंडीशन में ही सभी फ्रूट्स को अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो देर विल बी डैमेज, बिकॉज 4 से 5 दिन कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन, दूर के एरिया है वहाँ पे लगेगा, टाइम तो लगेगा। तो व्हाट विल हैपन इज व्हेन दे विल रीच द साइट क्या होगा, वो ओवर राइप हो चुके होंगे, बहुत सारे रॉट हो चुके होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब बनानाज आपने देखे होंगे, मैंगोज हैं, वो हल्का रॉ कंडीशन में ही उनको प्लांट से प्लग करके उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, फिर क्या होता है इनको कोल्ड स्टोरेज में वहाँ स्टोर करेंगे, और वहाँ फिर इनको इथिलीन का स्प्रे किया जाता है ताकि वहाँ पर जो है फ्रूट्स को राइपन कराया जा सके। सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इथिलीन इज कॉजिंग फ्रूट राइपनिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल एज जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से, देन अगेन वी विल मूव बैक टू लाइफ प्रोसेसेस, बिकॉज फर्स्ट आई वॉज थिंकिंग इज कि अपने स्कूल रेज्यूम हो जाएंगे तो वी वुड डिस्कस दिस इन क्लास इटसेल्फ, बट नाउ बिकॉज सिंस द लॉकडाउन इज एक्सटेंडेड तो हमें दो चैप्टर तो एटलीस्ट ऐसे कर लेने हैं कि इनमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए बाद के लिए, सिर्फ बचेगा तो आपके डाउट्स और एक्सप्लेनेशन रिविजन, सिर्फ ये बचना चाहिए इन दो चैप्टर से। बाकी आप इसको बैठ करके घर में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा आपको उसमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, एक बार पढ़ने से बिल्कुल समझ नहीं आएगी, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, क्योंकि जो सीबीएसई की जो आंसर की होती है वो मैंने देखा है उसका जो आंसर्स सीबीएसई जो आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो एनसीईआरटी से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे से ही आंसर्स उनको उतना ही चाहिए, उसे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। हम बहुत प्रदीप्स की बुक्स हैं, मॉडर्न की बुक हैं, सब उठा के उसमें बहुत डिटेल में दिया होता है, बहुत से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हम, चीज़ों को और इलैबोरेट कर देते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं उन बच्चों के ऊपर बर्डन हो जाती है जो बायो फ्यूचर में कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते। तो स्टिक टू योर एनसीईआरटी, और जो बच्चे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं आप एक्स्ट्रा बुक्स प्रदीप्स हैं मॉडर्न हैं आप उनको पढ़ सकते हो, इतना समझ में आने के बाद आपको वो भी समझ में आएगी, और कुछ जो नहीं समझ में आता है तो आप डिस्कस कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि ये चीज़ क्या है कहाँ, और आपने ये मेंशन करना है कि जो भी आपके डाउट आपने कौन सी बुक में आपने उसको पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो वी विल कंटिन्यू विद